अब हम लोग यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। जब भी बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड हो कई सारी या सेल्स कई सारे इस तरीके से कनेक्टेड हो तो ये पूरे इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग सिंगल ईएमएफ ई और इंटरनेशनल आर से रिप्लेस कर देते हैं और सिंगल बैटरी की जो ईएमएफ ई होगी वो दी जाती है ई1 बाय आर1 प्लस ई2 बाय आर2 प्लस ई3 बाय आर3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 1 बाय आर1 प्लस 1 बाय आर2 प्लस 1 बाय आर3 एंड सो ऑन राइट। इस तरीके से देते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं और उसके थ्रू इलुस्ट्रेट कर लेते हैं। उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनल जो R होगी वो कैसे निकालेंगे। तो 1 बाय आर विल बी इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री एंड सो ऑन ऐसे निकाली जाती है इस सिस्टम की इफेक्टिव इंटरनेशनल या इक्विवेलेंट इंटरनेशनल। अब देखिए यहाँ पे सपोज आपके पास बैटरी है 10 वोल्ट 2 ओम 5 वोल्ट 1 ओम 15 वोल्ट 3 ओम। अब इस बैटरी को देखिए, इस बैटरी की पोलैरिटी इन दोनों के रिस्पेक्ट में अपोजिट है। तो आप क्या कीजिए कि इस तरह की बैटरी को पॉजिटिव ले लीजिए। वैसे आप चाहे तो इसको भी पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे बैटरी की पोलैरिटी को मैंने पॉजिटिव ले लिया तो अब कैसे ईएमएफ ई लिखा जाएगा। तो 10 डिवाइड बाय 2 इसकी अपोजिट कनेक्टेड है इसके रिस्पेक्ट में तो इट विल बी माइनस 5 डिवाइड बाय 1 क्योंकि 1 इंटरेस्टेंस है इस बैटरी की प्लस इसकी और इसकी एक जैसी पोलैरिटी है तो प्लस 15 बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 3। फिर से बात आती है कि जो यहाँ नीचे एडिशन ही होगा कहीं सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से देखिए इंटरेस्टेंस में कैसे निकलेगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 3। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल बैटरी से सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस से राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इसी में कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट देखते हैं कि और क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से रिलेटेड है। देखिए एक एक करके ये देखिए यहाँ पे ये कई सारे बैटरी है सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है सबकी ईएमएफ ई की वैल्यू भी इक्वल है। तो इस केस में क्या वो ई बाय आर प्लस ई बाय आर प्लस एंड सो ऑन करेंगे डिवाइड बाय 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर एंड सो ऑन करेंगे। तो उस केस में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे या सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इट विल कम आउट ई। इसी तरीके से 1 बाय आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर एंड सो ऑन। तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आर बाय एन के इक्वल। अगला काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे सपोज आपके पास कई सारी बैटरी है ठीक है लेकिन उनमें से एक ऐसा बैटरी लगा दिया जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है राइट। तो उस केस में क्या होएगा कि इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा वो सिंपल सी बात है ई टू के इक्वल होगा जो कि आपकी जिस भी बैटरी की इंटरनेशन जीरो है उस सिस्टम की पूरी इक्विवेलेंट ईएमएफ उसी बैटरी के इक्वल हो जाएगी। और ये हम लोग कैसे समझेंगे देखिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमेशा ई टू के इक्वल ही होगा क्योंकि इसकी कोई इंटरनेशन है नहीं। तो यदि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई टू होगा तो इसके क्रॉस भी ई टू होगा इसके क्रॉस भी ई टू होगा। तो हर एक ईएमएफ के क्रॉस इक्विवेलेंट जो हर एक ईएमएफ के क्रॉस हर एक सेल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सिंपल सी बात है ई टू के इक्वल हो जाएगा। इसलिए इस पूरे सिस्टम को हम लोग ई टू वाली बैटरी से रिप्लेस कर देंगे जिसकी इंटरनेशन जीरो के इक्वल ही होगी। मतलब ऐसे सिस्टम का इफेक्टिव ईएमएफ ई टू और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इफेक्टिव होगा वो आपका वो जीरो के इक्वल होगा राइट। एक तो ये बात हो गई। अगला एक और पॉइंट देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है सपोज दो बैटरी आपने लगा दिया तीन या चार जितने बैटरी लगाना है आप लगा दीजिए और सबकी इंटरनेशनल की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो उस केस में इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा। तो उस केस में इफेक्टिव ईएमएफ जो सबसे लोअर वैल्यू होगी उससे हम लोग पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे। मतलब क्या ई वन ई टू ऐसे कनेक्टेड है और दोनों की इंटरनेशनल की वैल्यू जीरो है और ई वन ग्रेटर देन ई टू है मतलब ई टू की वैल्यू कम है ई वन की वैल्यू ज्यादा है तो द होल सिस्टम will be replaced by सिंपल सी बात है एक ईएमएफ से रिप्लेस करेंगे जिसकी बैटरी की ईएमएफ होगी ई टू के इक्वल राइट। तो ये कुछ स्पेसिफिक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये कई दफे आपके प्रॉब्लम में यूज हो सकते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं और देखते हैं ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है क्या। आप ये क्या देख रहे हैं कि कई सारी बैटरी इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड है। सपोज ऐसे एम नंबर ऑफ बैटरीज हैं और यही ऐसा ही पूरा सिस्टम एन दफे रिपीट हो गया है राइट। ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ सेल्स राइट। अब क्या है यहाँ पे कि इस पूरे सिस्टम को हम रिप्लेस करना चाहते हैं यहाँ पे एक सिंगल बैटरी से। तो सिंगल बैटरी की जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होती है वो होगी एमई के इक्वल।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि वो एम आर बाय एन के इक्वल होगी। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे, अब ऐसे सिस्टम को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, और ये देखना चाहते हैं कि उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट केवल कब मैक्सिमाइज करेंगी। तो ये कब मैक्सिमाइज करती है, जब उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इस सिस्टम की आई हुई है इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू वो आपस में इक्वल हो जाए। मतलब कैपिटल आर की वैल्यू जब एम आर बाय एन के इक्वल हो जाए तभी हम लोग कहेंगे कि इस रेजिस्टेंस आर के थ्रू करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको ध्यान में रखना है। कई दफे इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली इसके ऊपर, तो ये ध्यान में रखना है। तो दिस ओनली द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी।